जिंदगी इत्तफाक है दोस्तों। मैं एक शूटिंग के दौरान बीकानेर पहुंचा। नई जगह, नए लोग, नई अनुभूतियां मुझे हमेशा ही आकर्षित करती रही हैं। शूटिंग के दौरान मुझे पता चला कि बीकानेर से ही लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा नगर है देसनोक, जहां चूहों का एक प्रसिद्ध मंदिर है, माता करणी देवी का मंदिर, जहां चूहों का एक अद्भुत संसार बसता है। मैंने भी सोचा कि अगर मैं बीकानेर आया हूं तो क्यों ना इस अद्भुत मंदिर के दर्शन किए जाएं। और मैं पहुंच गया माता करणी देवी के चूहों वाले मंदिर में। मंदिर के बाहर एक साफ सुथरा भव्य प्रांगण है। प्रांगण के अंदर मंदिर में प्रवेश करते ही मैं आश्चर्यचकित था। मंदिर में चूहों की इतनी तादाद किसी को भी दांतों तले उंगली दबाने में मजबूर कर सकती है। मैंने अपना साधारण सा मोबाइल अपने अभिनेता मित्र संजय को वीडियो बनाने के लिए दे दिया और मैं पहुंच गया चूहों के बीच। सर्वप्रथम माता की मूर्ति को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। मुझे अपनी आस्था पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्मुक्त होकर मंदिर में भ्रमण कर रहा था और छोटे छोटे चूहों को लगातार भागते दौड़ते उनकी नटखट हरकतों को देख रहा था। अचानक मेरा मित्र घबरा गया और सहम गया, कहीं कोई चूहा उसके पैर के नीचे तो नहीं कुचल गया। लेकिन सुना है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। स्वभावतः थोड़ा नाराज होने के बाद मैंने खुद ही मोबाइल से वीडियो लेना शुरू कर दिया। चूहों वाले इस मंदिर के इतिहास में एक अनोखी दास्तान छुपी है। करणी माता, जिसके बचपन का नाम रिघुबाई था, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1387 में हुआ था। पिता मैंदोजी चरण और माता देवल जी की ये 7वीं संतान थी। बचपन से ही उनमें असीम करुणा भाव और सेवा भाव था। उनका विवाह एक समृद्ध व्यक्ति दीपो जी से संपन्न हुआ, किंतु करणी देवी की सांसारिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे पूरी तरह भक्ति भाव में लीन रहती थी। कहते हैं उनमें सुपर नेचुरल पावर समाहित हो गई थी। एक बार करणी देवी का पुत्र कपिल सरोवर में पानी पीने गया, वहां उसका पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसे एक विषैले सांप ने डस लिया था। जैसा भी था, वो मृत्युलोक सिधारने की राह में चल पड़ा। तभी करणी देवी ने यमराज से अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। यमराज के लाख समझाने पर भी कि वो विधि के विधान को नहीं डाल सकते, किंतु अपने हठ, योग और तप की शक्ति के माध्यम से माता करणी देवी ने यमराज को अंततः एक सहमति के आधार पर अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बाध्य कर दिया। सहमति का आधार था कि उसके पुत्र को पुनः जीवन तो मिल जाएगा, किंतु अग्रिम प्रत्येक पीढ़ी में उसे एक बार चूहे और फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और कहते हैं तब से योनि चक्र का सिलसिला अनवरत चलता आ रहा है। यहाँ चूहों की सटीक गिनती करना तो नामुमकिन है, लेकिन अंदाजन यहाँ लगभग 25,000 से ज्यादा चूहे होंगे। अरे ये क्या, ओह गॉड, बच गया। आश्चर्य कि सभी चूहे एक आकार के और एक समान, एक वजन और एक ही ऊंचाई के हैं। ये चूहे मुझे सामान्य चूहों से भिन्न लगे, मगर हाँ, मैंने यहाँ चूहों के बच्चे नहीं देखे। चूहों की इतनी भरमार, मगर फिर भी यहाँ का परिवेश विशुद्ध भक्तिपूर्ण है। यहाँ आज तक न कोई बीमारी और न कोई महामारी हुई है। हाँ, मंदिर का फर्श मुझे अन्य मंदिरों की तरह ज्यादा चमकता सा नहीं लगा। 15वीं शताब्दी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर मुगल शैली में निर्मित है। एक और आश्चर्य, चूहे मंदिर की परिसीमा से बाहर नहीं थे। जिस प्रसाद में चूहे उछल कूद मचाते हैं और कुतर कुतर कर उसे जूठा करते हैं, उसी प्रसाद को भक्त पूर्ण प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। सुना है यहाँ मांगी हुई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है, विशेषकर संतान की प्राप्ति की अभिलाषा। है ना विचित्र स्थान, आप भी देखिए।
जी हाँ, मैं खुद ये वीडियो ले रहा हूँ अपने मोबाइल से, और देखिए चूहों की ये नजाकत। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और खूबसूरत अनुभव और एहसास के साथ। बाय।